डायलॉग का जिक्र हो रहा था, विपक्ष कह रहा है कि सरकार डायलॉग बाजी कर रही है जैसे फिल्मों में होता है, अपराधी आते हैं बेखौफ होते हैं और यूं ही हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार जीरो टॉलरेंसी की नीति के अंतर्गत ऐसे बड़े बड़े माफियाओं जिन्होंने गरीब जनता ऐसी जनता के मेहनत की कमाई और उनकी गरीबों की दलितों को जमीनों को हत्याने का काम किया, आज उन पर भी कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है और सरकार लगातार ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। और ऐसी कार्रवाई नहीं, एक कार्रवाई जो नसीहत बने पूरे प्रदेश के लिए, वो ऐसी कार्रवाई कर रही है। जो सवाल आपने किया कि डायलॉगबाजी, देखिए डायलॉगबाजी की बात अगर कहेंगे मगर हम तो ये कहेंगे जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया, उसका परिणाम है कि लगातार जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना उमेश पाल जी की हत्या और लगातार उनके सिपाही की हत्या और उसके बाद लगातार एक व्यक्ति जो उसमें मास्टरमाइंड था उसका एनकाउंटर हुआ, दूसरे मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर दिया गया और लगातार तीसरे पर भी। सोनकर साहब, 2017 के बाद से ही हम सुन रहे थे कि माफियाओं का खात्मा होगा, अपराधियों को घुटने पर ला देंगे, उसके बावजूद 2023 में फरवरी के एंड में ये हो रहा है कि एक गवाह जो मुख्य गवाह था उसको अपराधी बेखौफ होकर मौत के घाट उतार देते हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी तो सवाल उठेंगे सर, पीठ तो थपथपाई जाएगी लेकिन सवाल भी उठेंगे। देखिए, उस सवाल का जवाब भी दिया, उस सवाल का जवाब इस अपराधी को जो दोषी है उसको दंड दे करके दिया है और दंड ऐसा जो नसीहत हो लोगों के लिए, उस सवाल का जवाब भी यही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो उत्तर प्रदेश को दंगाइयों का प्रदेश, माफियों का प्रदेश और लगातार ऐसे अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि उनको ऐसे संरक्षण देने का काम किसने किया, पालने का काम किसने किया, पोसने का काम किसने किया, उस पेड़ को एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम किसने किया, उस पेड़ को इतनी ताकत देने का काम किसने किया, इस विषय पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जिस तरीके से हाल ही में आप देखिए कि कल ही की घटना है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कैसे उस घटना में शामिल ऐसे मास्टरमाइंड के साथ फोटो वायरल की जाती है और वो फोटो, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो फोटो किसी विवाह के कार्यक्रम की नहीं है, वो फोटो किसी कार्यक्रम की नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे हाथ मिला रहे हैं। तो लगातार इन मनसाव को, इन सक्रियता को समझ में आता है कि किस तरीके से लगातार ऐसे अपराधियों को, माफियाओं को, ऐसे दंगाइयों को लगातार संरक्षण देने का काम किया है और उनको बढ़ाने का काम किया गया है।